सभी विद्यार्थी आज नया चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है सांख्यिकी, जो आप नवीं क्लास में पढ़ चुके हो। क्या पढ़े हो नवीं में? नवीं क्लास में आंकड़ों को अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत बारंबारता बंटनों में व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। हमने आंकड़ों को चित्रीय रूप से विभिन्न आलेखों, जैसे दंड आलेख, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, सभी अपन ने पढ़ लिया है। अब अवर्गीकृत आंकड़ों के कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधि, मीन, मॉड, मीडियन भी हमने नवीं क्लास में पढ़ा है, जो आपको बहुत इजी लगा है, पढ़ा है ना। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मीन, मॉड और मीडियन का अब हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। पहले अपन ने क्या किया था? अवर्गीकृत, अनग्रुप्ड। अब हम ग्रुप वाले जब डाटा आएंगे तो उनको किस प्रकार से मीन, मॉड, मीडियन निकालेंगे, वो हम आज सीखेंगे। आ जाओ, चलिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य मीन। पहले नाइन्थ क्लास में क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई पढ़ा था ना, पढ़ा था ना, याद है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो माध्य या औसत सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या में भाग देकर प्राप्त किया था। प्रेक्षण थे x1, x2 से xn तक थे। बारंबारताएं f1, f2, fn थी और हमने प्रेक्षण को गुणा किया था x1, f1। अभी करेंगे अपन जो फॉर्मूला अभी अभी मैंने लिखा है, क्या लिखा मैंने? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सब याद कर लो। और सिग्मा निशान जो क्या है? ये बड़ा सिग्मा, ये जोड़ने का निशान है। इसको ऐसा लंबा लिखना पड़ता है ना कभी कभी, कभी कभी आप ऐसे लिखते हो कि सर ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, फिर यहाँ आई इज इक्वल टू वन अप टू एन डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई आई इज इक्वल टू वन एन। थोड़ा कठिन लगता है, अजीब लगता है, थोड़ा अलग लगता है। तो सिंपल तरीका भी हम लिख सकते हैं, सिंपल तरीका भी हम लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है? हाँ, करें सवाल, शुरू करें। ये पुरानी पुरानी बातें पढ़ी, अब नई नई सीखेंगे। उदाहरण नंबर एक, किसी स्कूल की कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से अंक प्राप्त किए हैं, इनका माध्य याद करना है। विद्यार्थी कितने? 30। अभी जो डेटा है वो अनग्रुप्ड, कैसा है वो? वर्गीकृत नहीं है। तो इसमें तो अपन क्या करते थे? एक बारंबारता वाला बना लेते थे कि 10 नंबर कितने बच्चों के आए, 20 नंबर कितनों के आए, जो अपन ने नवीं क्लास में ये सवाल किया हुआ है। ये अपनी एफ आई है, इसमें एफ आई एक्स आई से गुणा किया अपन ने, दोनों का जोड़ लगाया और फिर अपन ने ये माध्य निकाला था, निकाला था। अब बात आती है, अगर मान लिया मैं इसको वर्गीकरण कर दूं, अब सीखो आप, अब मैं इसका वर्गीकरण कर दूं कि 10 में से 10 से 25 तक नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? सर दो बच्चे। 25 से 40 सवाल नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे। कुल बच्चे 30 हैं क्या? देखो जरा, 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 18, बिल्कुल सही, 30 है, बिल्कुल सही है सर। ये मैंने क्या किया, उसको
इसी वाले आंकड़े का क्या बना दिया मैंने, ग्रुप बना दिया। बहुत अच्छी बात है, ग्रुप बन गया। अब जब ग्रुप बन गया तो अब मैं कैसे निकालूं, अब माध्य कैसे निकालूं? सर उस वक्त तो मेरे पास यहां एक्स आई था, ये मेरा एफ आई था, तो मैं गुणा कर लेता था। अब मेरे पास तो एक्स आई नहीं है, तो एक्स आई लाओ सबसे पहले। तो क्या करेंगे अपन, एक काम करते हैं, ये अपना जो ग्रुप है ना 10 से 25 के बीच का, 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो बीच का बिंदु ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बीच का बिंदु, बीच की संख्या। मतलब 10 प्लस 25 बटा 2 यानी कि 35 बटा 2 यानी कि 17.5। ये कर लें क्या? तो ये अगर कर लेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स आई। तो जब कभी भी वर्गीकृत डाटा आएगा, ग्रुप्ड डाटा आएगा, हमको एक्स आई निकालना है। एक्स आई मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का फार्मूला ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइड बाई 2। ऊपरी सीमा हर के लिए अलग अलग है, जैसे यहां पर 10 प्लस 25 है, यहां पर क्या करोगे 25 प्लस 40, ऊपरी सीमा 40, निचली सीमा 25 बटा 2, तो ये हो गया मेरा 65 बटा 2, कितना हो जाएगा बच्चों 32.5। ये मेरा आ गया एक्स आई। जरा देखो किया क्या ऐसा, यस। ये देखो मैंने नया एक्स आई बना दिया, मध्य बिंदु ले लिया 17.5, 32.5, 47.5, इसको मैंने ये 85 से निभे था, ये 92.5, और ये मेरा आ गया एक्स आई, ये मेरा एफ आई। अब मैं गुणा कर दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर मान लिया ग्रुप डाटा आ जावे तो अपने को कोई चिंता करने की जरूरत तो नहीं है, नहीं है। अब जरा नाम पता पढ़ लेते हैं, जो अपन ने ये मध्य बिंदु पढ़ा था इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। कभी नाम आ जाए वर्ग चिन्ह तो आप डर मत जाना कि सर ये वर्ग चिन्ह क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसको एक्स आई बोलते हैं। एक्स आई क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। कैसे निकालते, ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के 2 का भाग लगा तो मध्य बिंदु आ जाता है, उसी को वर्ग चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लास मार्क। क्या कहते हैं इसको, प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है, अतः वर्ग के मध्य बिंदु मिड पॉइंट या वर्ग चिन्ह क्लास मार्क को उस वर्ग में आने वाले सभी प्रेक्षणों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो क्या सीखा, एक्स आई निकालना सीख लिया। चलो तो आ जाओ, अब मेरे पास एक्स आई आ गया, फिर मैंने वापस सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पिछले वाले में तो मेरा माध्य आया था 59.3 और अभी आ गया है 62, तो गड़बड़ आ गया, चेंज हो गया, तो कौन सा सही है पता नहीं। पढ़ो क्या लिखा है, माध्य ज्ञात करने की इस नई विधि को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। पहले तो ठीक है साहब, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अब बात क्या है, हम देखते हैं कि सारणियों 14.1 और 14.3 में समान आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, इनमें माध्य परिकलित करने के लिए एक ही सूत्र का प्रयोग किया, परंतु इन दोनों में हमें परिणाम भिन्न भिन्न प्राप्त हुए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, और इनमें से कौन सा माध्य सही है, दोनों मानों के अंतर का कारण क्या है, मध्य बिंदु कल्पना है
तो 59.3 सही माध्य है और 62 एक सन्निकट माध्य है। सही एग्जैक्ट निकालना हो तो आपको वो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, लेकिन ये क्या अप्रोक्सीमेट है, इसको क्या बोलते हैं सन्निकट, यानी कि अप्रोक्सीमेट लगभग, क्या बोलते हैं उसको लगभग। तो बच्चों सबसे अच्छा तो ये विधि है, लेकिन जब डाटा बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या करो, तो हम ये दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहला हमने सीखा प्रत्यक्ष विधि सीखी, एक्स आई निकालना सीखा, अब आगे की और पढ़ाई करते हैं। अब और डेटा बड़ा हो, बड़ी बड़ी संख्या 5000 से 10000, 50000 से 1,00,000, ऐसे ऐसे ग्रुप आए तो कहां गुणा करोगे, 0000 लगाते लगाते थक जाओगे, क्योंकि ये थोड़ी एक क्लास का ही थोड़ी अपन स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। स्टेटिस्टिक तो पूरी दुनिया के जितने भी डेटा होते हैं ना उनकी सबकी स्टेटिस्टिक्स होती है, पूरी दुनिया में कितने लोगों को कोरोना हुआ, उसमें 40 वर्ग से नीचे वाले कितने थे, उसमें 18 से नीचे वाले कितने थे, कितने लाखों में होगा, करोड़ों में होगा, तो फिर वहां माध्य कैसे निकालोगे, गुणा करने में तो अपने बहुत लंबे लंबे गुणा होगा। फिर नया तरीका निकालते हैं, फिर नया तरीका, जब कभी एक्स आई और एफ आई का मान बड़ा होता है तो एक्स आई और एक्स एफ आई का गुणनफल करना जटिल हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये नया एक तरीका अपनाते हैं, उसका नाम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। क्या नाम है इसका, अगली विधि आ रही है। पहले अपन ने पढ़ ली प्रत्यक्ष विधि, क्या पढ़ा था पहले कौन सी विधि पढ़ी, प्रत्यक्ष विधि। अब दूसरी विधि आ रही है कल्पित माध्य विधि, कल्पित यानी एज्यूम्ड मीन, नया तरीका। तो नया तरीका क्या होता है, यहां पे ये क्या करेंगे, मान लिया ये एक संख्या है 47.5, बीच में कोई भी संख्या 47.5 लो, 62.5 लो, कोई भी एक संख्या जिसको एक्स आई है, इसको मान लो कि माना कि ये माध्य है, माना कि काल्पनिक, क्या बोलते हैं इसको काल्पनिक, कल्पित माध्य, इसको ए से व्यक्त करते हैं, एज्यूम्ड से बना ए। अब हम क्या करेंगे, एक्स को ले सकते हैं, हम ए को 45.5 या 62.5 में कुछ भी से चुन लेते हैं, मान लिया हमने ए को मान लिया 47.5, और इससे ए और एक्स का अंतर हम ज्ञात करेंगे जिसको हम कहेंगे डी, उसको इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन, हिंदी में कहते हैं विचलन। विचलन क्या होता है, विचलन होता है रास्ता जा रहा सीधा सीधा, उसमें थोड़ा मुड़ के चलने का, तो उसको विचलन बोलते हैं, डेविएशन, डेविएट। तो नई विधि आ गई, एक शब्द और आ गया डी आई, जरा कैसे किया जरा देखते, आ जाओ जरा यहां देखो, आ जाओ इस सारणी को देखो जरा, ये वर्ग अंतराल, ये फ्रीक्वेंसी, ये एक्स आई, क्लियर। माना कि ए बराबर 47.5, तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस 47.5, करो जरा, ये आया माइनस का 30, ये आया माइनस का 15, ये बिल्कुल जीरो, फिर ये पॉजिटिव 15, देखो जरा। अब मैंने यहां पे गुणा किया तो ये मेरा गुणा एफ आई डी आई का गुणा मेरा थोड़ा छोटा आया, नहीं तो पहले वाले में संख्या बड़ी बड़ी थी ना, देखो इतनी बड़ी थी, तो मेरे 1860 आए थे, वो तो अभी मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ, वह तो लाखों में होती, एग्जाम्पल करो 1860 थी, तो थोड़ा मेरा जोड़ छोटा आ गया, 435 ही आया, तो मेरे को थोड़ा गुणा भाग करने में सरल हो गया। चलो अब ये जो विधि थी ना, इसमें फिर माध्य का फॉर्मूला क्या है, तो माध्य का फॉर्मूला है बच्चों, लिखो जरा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। पहले वाला क्या था, पहले वाला था सिग्मा एफ आई एक्स आई
अपॉन सिग्मा एफ आई तक, क्या डिफरेंस आ गया इसमें, एक जुड़ गया। लेकिन देखो जरा करके देखो, ऐसा करने से उत्तर गलत तो नहीं आ रहा है, जरा देखो जरा, देखो जरा, ऐसा करने से उत्तर गलत तो नहीं आ रहा है। अब वापस से जब हमने सॉल्व किया इसको, तो वापस से मेरा माध्य आ गया 62। इसका मतलब यह है कि यह भी सही विधि है। माध्य ज्ञात करने की उपरोक्त विधि को हम कल्पित माध्य विधि या एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। यह दूसरा तरीका हुआ। अब एक और तरीका है, एक और तरीका। अभी भी मेरे को लगता है सर ये थोड़े ज्यादा है, ये है ना, ये संख्या थोड़ी और छोटी करो सर, आप कुछ का भाग दे दो, आप थोड़ी और छोटी करो। छोटी करें तो किससे भाग दे में 15, ये अंतराल कितने का है भैया 15, ये अंतराल कितने का है 15। एक काम करें 15 का सब में भाग दे देते, ठीक है। अब मैं वापस एक काम करता हूं, यू आई एक नया शब्द आया, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए, और भाग लगा दिया एच का, एक नई सारणी का हमने नया कॉलम बनाया, और अब देखो मेरा गुणा और मेरा योग और छोटा हो गया, मेरी कैलकुलेशन और छोटी हो गई। अभी बच्चों को किसी को समझ में अगर नहीं आ रहा है चिंता मत करिए, मैं एग्जाम्पल करूंगा आपको सब समझ में आ जाएगा। आप तो एक बार इसको सुन लीजिए, पहली बार आपको नया नया लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एकदम लगेगा सर ये बहुत इजी है। फिर मेरा नया फॉर्मूला आया, और नया फॉर्मूला क्या आया, ये वाला। जरा इस फॉर्मूले को लिखो जरा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई गुणा एच। अब मैं तीनों फॉर्मूले लिख रहा हूं, हाँ पहले इसको नाम पढ़ लेते हैं। इसका नाम है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि यानी स्टेप यानी कदम, पग यानी कदम, एक कदम अपन ने और डेविएट किया तो स्टेप डेविएशन, हिंदी में कहेंगे पग विचलन। तीन विधियां मैंने पढ़ ली, जरा फॉर्मूले याद करेंगे, आ जाओ पहला फॉर्मूला, आ जाओ बच्चों। सबसे पहले मैंने पढ़ा था x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सबसे पहले 9th क्लास में पढ़ा मैंने। उसके बाद फिर नया फॉर्मूला मुझे सिखाया, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, सॉरी एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये भी 9th क्लास का फॉर्मूला। फिर वापस अगला फॉर्मूला पढ़ाया मेरे को, x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई डेविएशन, इसका नाम था कल्पित माध्य विधि। ए क्या है, कल्पित माध्य। फिर एक और फॉर्मूला आया, x बार इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा एच। एच क्या है, वर्ग माप, या वो अपने जो ग्रुप बनाते हैं ग्रुप का साइज, क्लास साइज। और ये जो विधि थी ये थी पग विचलन विधि। फॉर्मूले वापस से याद कर लो, चलो जल्दी जल्दी चलो आ जाओ। सबसे पहला फॉर्मूला ये, फिर ये वाला पढ़ा, फिर ये वाला पढ़ा, फिर पढ़ लिया, लिख लो आप भी, लिख लो आप भी। और उदाहरण नंबर 2 में आ जाओ सब मेरे साथ। अब मैं करूंगा सवाल, अब मैं करूंगा
सवाल उदाहरण नंबर दो, फॉर्मूले भी लिखे मैंने, जरा आप भी पढ़ लो, आप भी देख लो। ये वाला एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें बराबर ये लिखने की जरूरत नहीं हर बार। क्लास मार्क एक्स आई, अपर क्लास लिमिट, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, भाजक दो, वर्ग चिन्ह, ये कल्पित माध्य विधि, डी बराबर एक्स आई माइनस ए, और यू आई नया शब्द आया एक्स आई माइनस ए भाजक एच, तो ये नया फॉर्मूला एक्स बार का। चलेंगे क्वेश्चन करेंगे, सीधे एग्जाम्पल करेंगे। आ जाओ, नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से डायरेक्ट मेथड, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों विधियों से माध्य प्रतिशत निकालिए। करोगे सवाल? करोगे? सब बच्चे सवाल करेंगे मेरे साथ। पहला आ रहा है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि ये दे रखा आपको, ये दे रखा आपको एक्स आई मध्य बिंदु 15 25 का बीच का 20, 25 से 35 का बीच का 30, मध्य बिंदु एक्स आई निकाला क्या, ले लो। अब क्या करना है? सीधा कर रहा है। अच्छा, प्रत्यक्ष विधि लगाइए, एक्स सिग्मा एफ आई एक्स आई भाजक सिग्मा एफ आई, प्रत्यक्ष विधि लगाओ जरा एक बार इस फॉर्मूले से। इस यहां पर एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, यहां पे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एफ आई एक्स आई, फिर गुणा कर देना 120, फिर 330, 228, 200, फिर 6 × 24 240, 7 × 14 140 और 80, सबको जोड़ोगे कितना आ रहा है, ये आ रहा 1390 आ रहा है। फिर इसको जोड़ दो, इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 35। तो सिग्मा एफ आई हो गया 35, और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर ही हो गया। एक कॉलम और ऐड कर दो, लगाओ सीधा प्रत्यक्ष विधि। ये एक चीज हुई, लेकिन अभी तीनों विधि पढ़नी है अपने को। अब थोड़ा सारणी को अलग बनाते हैं। अब इस सारणी में मैंने क्या किया, कल्पित माध्य विधि में ए बराबर मैंने मान लिया 50, माना कि, तो यहां मैंने क्या किया, हम यहां ए इज इक्वल टू 50 लेते हैं, और एच बराबर 10 तो मेरे को मालूम है, क्योंकि वर्ग अंतराल है, वर्ग माप है, क्लास साइज है। चलो पहले सारणी बनाना सीख लेते हैं। ये मेरी प्रतिशत, ये फ्रीक्वेंसी, ये एक्स आई डी आई, एक्स आई माइनस 50, 50 में से क्या माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 जीरो, 10 20 30, फिर निकाला मैंने यू आई एक्स आई माइनस 50 भाजक 10 एच, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 जीरो 1 2 आ गया। फिर मैंने निकाला एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई निकाला, एफ आई डी आई और एफ आई यू आई तीनों निकाला। चलो आ जाओ, मैंने भी निकाल रखा है, इसको भी लिख दो, आप भी बना लो। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर लिखो, राज्यों की संख्या लिखो,
क्षेत्रों की संख्या एक्स आई कॉलम बनाओ कॉलम, इसका मध्य बिंदु लिखो 15 से 25 का 20 लिखो सब बच्चे, 25 से 35 30 लिखो, 35 से 40 45 से 55 50, 55 से 65 के बीच का 60, 65 से 75 के बीच का 70, 75 से 80 के बीच का 80 लिखा, xi आ गया क्या, xi आ गया। अब di निकालो, माना कि बीच का कोई भी मान लो कल्पित माध्य, माना कि a बराबर है 50, तो लिखो यहां पर di बराबर xi माइनस 50 लिखो, फिर लिखो 50 में से माइनस करना है xi को, तो 20 माइनस 50 माइनस का 30, 20 माइनस 30 माइनस का 20, 20 माइनस नहीं 40 माइनस 50 माइनस का 10, 50 माइनस 50 0, फिर 60 माइनस 50 70 माइनस 50 80 माइनस 50 क्या आ गया, ये di आ गया। फिर ui भी निकालो, x माइनस 50 जो था इसमें 10 का भाग लगा दो, दोनों का अंतराल 10 है ना, 10 का भाग लगाओ, ये छोटा हो गया माइनस का 3, यहाँ 20 में से माइनस का 2, ये माइनस का 1 0, ये 1 2 3 निकाला, एक्स आई निकाला, डी आई निकाला, यू आई निकाल लिया, सब निकाल लिया, चलो निकालो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ एफ आई एक्स आई निकालो, तीनों विधि लगा रहे हैं अपन, एफ आई एक्स आई भी गुणा कर रहे हैं, एफ आई डी आई भी कर रहे हैं, एफ आई यू आई भी कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, जरूरत केवल एक की है, पर अपन तुलना करने के लिए तीनों विधि देख रहे हैं। एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई, ये एफ आई और ये एक्स आई, कितना हो गया 120। एफ आई और डी आई, ये एफ आई और ये डी आई, माइनस का 180 हो रहा, माइनस का, और एफ आई और यू आई, ये एफ आई और ये यू आई, तो माइनस का 18। देखो छोटा होता जा रहा है, अभी देखना योग छोटा हो जाएगा। सभी का निकालो एफ आई एक्स आई, सभी का निकालो एफ आई डी आई, सभी का निकालो एफ आई यू आई, निकालो और जरा जोड़ लगा दो, एफ आई एक्स आई मेरे पास आया है 1390, एफ आई डी आई आया माइनस का 360, और एफ आई यू आई आया माइनस का 36। छोटा हो गया ना, और सिग्मा एफ आई तो मेरा फिक्स है 35। चलिए सभी नामकरण भी देख लो, एक्स आई क्लास मार्क वर्ग चिन्ह बोलते हैं, ए को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य, डी को बोलते हैं एक्स आई माइनस ए यानी डेविएशन यानी विचलन, एच को बोलते हैं क्लास साइज यानी वर्ग माप, सब लिख लो एक बार, एक क्वेश्चन को समझ लो, सारे क्वेश्चन चुटकी बजाते हो जाएंगे। यू आई का पता वो भी हमको मालूम है, अब यहां पर सीधे सीधे आ रहे हैं, सिग्मा एफ आई बराबर देस, सिग्मा एक्स आई बराबर देस, सिग्मा एफ आई डी आई ये, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 36। पहला मेथड प्रत्यक्ष विधि, तीनों विधि से करना ना, प्रत्यक्ष विधि, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 1390/35, उत्तर आया 39.71 प्रत्यक्ष विधि। फिर कल्पित माध्य a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई 50 प्लस माइनस का 360 अपॉन 35, जरा करो सॉल्व इसको, करो काटो इसको, कॉमन लिया 278/7 39.71 सेम, बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष विधि से भी यही आया, प्रत्यक्ष विधि में भी 39.71 और कल्पित माध्य से भी 39.71,
तीसरा है पग विचलन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन इन टू एच, हाँ ये भी सेम आएगा, करो 39.71। ये मेरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक बार सारे बच्चे देखेंगे क्वेश्चन को, समझ लेंगे और बुक में कैसे किया वो भी देख लेंगे। बुक में भी सेम आया है 39.71। हाँ, महिला शिक्षकों का मध्य प्रतिशत आ गया है, एक बार सारे बच्चे सारणी को देख लेंगे। ए बराबर 50, यहां 50 की जगह आप 40 भी ले सकते हो और 60 भी ले सकते हो, दोनों करके ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि सर मान लिया 50 नहीं लेता मैं तो 60 लेता, तो मैं तो 40 लेता तो ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, कल्पित मध्य है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो अभी मैंने 50 माना, आप कुछ भी मान सकते हो, सारणी बनानी है, सभी बच्चे सारणी बनाएंगे, देख लेंगे एक्स आई डी आई फिर यू आई एफ आई एक्स आई गुणा करके देखेंगे एफ आई डी आई और ये तीसरा वाला एफ आई यू आई, फिर सिग्मा निकालेंगे, सबका जोड़ निकालेंगे, टोटल सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, सबको अच्छा लगा पहला, बहुत अच्छा धीरे धीरे पढ़ाया, बाकी के क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा। नामकरण पढ़ लो, एक्स आई क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क, ए क्या कहलाता है, कल्पित माध्य, डी क्या कहलाता है, विचलन एक्स आई माइनस ए, एच क्या कहलाता है, क्लास साइज वर्ग माप, यू आई क्या कहलाता है, एक्स आई माइनस ए भाजक एच, एच क्या है, वर्ग माप। फिर अपन ने निकाली, ये सब निकाल लिया, फिर अपन ने किया प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, फिर अपन ने किया कल्पित माध्य विधि, फॉर्मूला ये वाला याद कर लो, फिर अपन ने लगाया पग विचलन विधि, फॉर्मूला ये वाला, ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 किया। अब एक एग्जाम्पल और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है, विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। सीधा अपन वही करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट, अब तीनों नहीं करने, डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड से शुरू करेंगे अब, क्योंकि यहां संख्या थोड़ी बड़ी आ रही है, 20 ने 60 ने 100 500 सब आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। आ जाओ, लिखो विकेटों की संख्या, फिर लिखो बॉलर्स की संख्या, लिए गए विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या, विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या एफ आई, लिखो अगला कॉलम एक्स आई, लिखो मध्य बिंदु ले लो 20 प्लस 60 भाजक 2 40, 60 प्लस 100 भाजक 2 100 प्लस 150 250 भाजक 2 150 प्लस 250 400 भाजक 2 250 और 350 600 भाजक 2 क्या आ गया, एक्स आई। एक्स आई को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह, नाम भी याद करते जाओ, क्लास मार्क। फिर निकालना है डी आई, बीच का कोई बिंदु ले लो, एक्स आई किसको माने बताओ, आपकी किस क्या इच्छा हो रही है, 125 को मान लें क्या कि 200 को माने, इन्होंने 200 को माना है, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपन मान लेते हैं ए बराबर
माना कि कल्पित माध्य a बराबर 200। लिखिए अगला कॉलम di बराबर xi आई माइनस 200 करो, माइनस का 160, माइनस का 120, माइनस का 75, 0, 100, 200 करो, आ गया क्या? अगला निकालो ui di अपॉन 20, 20 क्या है, 20 क्या है? अलग अलग वर्ग माप दिया, वैसे तो यहां 50 का अंतर आ रहा है, यहां 50 का अंतर आ रहा है, यहां 40 का अंतर आ रहा है, यहां 40 का अंतर आ रहा है, कोई बात नहीं, अपन ने वर्ग माप ले लिया है 20, वर्ग माप यहां इन्होंने 20 का ले लिया है, तो ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ग माप आप 40 भी ले सकते थे, पर अभी अपन ने इसलिए लिया है 20 को क्योंकि 20 का भाग लगभग सब में पूरा पूरा जा रहा था, इसलिए अपन ने वर्ग माप मान लिया h बराबर 20। ये भी देखना अलग अलग है, यहां पे वर्ग माप यहां 100 का आ रहा है, यहां वर्ग माप 50 का आ रहा है, यहां वर्ग माप 40 का आ रहा है, यहां वर्ग माप 40 का आ रहा है, यहां वर्ग माप अलग अलग भी है, इसलिए ध्यान रखना ये मध्य बिंदु लेते वक्त ध्यान रखना, मध्य बिंदु बनाओगे ना वर्ग चिन्ह में तो ध्यान रखना। तो यहां मैंने माना है वर्ग माप 20 और मैंने सब में 20 का भाग लगा दिया, 160 बटा 20, माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस 3.75, 0, 5, 10। फिर निकाला मैंने यू आई एफ आई, यू आई कौन सा है, ये यू आई और एफ आई ये वाला, इसको निकालो जरा, यू आई एफ आई निकालो, 7 8 56, 5 5 30, 16 × ये निकालो, गुणा करना पड़ेगा 60, 0 से गया 0, 5 × 2 = 10 और 10 3 = 30, जोड़ लगा लो, सिग्मा ये आ रहा है मेरा, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर माइनस का 106, जिसको मैं यू बार भी लिख सकता हूं। फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस ए यानी 200 इंटू 20 हाइट, वर्ग माप 20, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 106, एफ आई सिग्मा एफ आई 45 करो गुणा, ये बन जाएगा तुम्हारा 200 प्लस माइनस कर दो, माइनस 20 गुणा 106 भाजक 45 करो सॉल्व। एक्स बार आ रहा है मेरे पास 152.89। धीरे धीरे मैंने आपको समझाया और सरल चीज है ये, कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको धीरे धीरे करके बताया, तो ये आपका फिगर आ गया 152.89। सभी बच्चे को आंसर निकालेंगे, वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अब हम सीधे सीधे आ रहे हैं प्रश्नावली 14.1। अभी तक मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया, क्योंकि बच्चे अगर यहां चूक जाते हैं ना तो आगे सवाल कर नहीं पाते, अब अपन सारे क्वेश्चन करेंगे ना तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी है। चलें क्वेश्चन नंबर 1 करें। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया, 20 घर में लगे हुए पौधों को आंकड़े लिए, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, पौधों की संख्या और घरों की संख्या।
हाँ माध्य निकालो, छोटे छोटे हैं ये, ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, जो ये एक्स है ना ये छोटा है, तो देखते हैं अपन शायद अपना स्टेप डेविएशन से ही काम चल जाएगा कि प्रत्यक्ष विधि से ही कर लेते हैं। चलो छोड़ो, लिखो नंबर ऑफ प्लांट्स, पौधों की संख्या, घरों की संख्या लिखो, एक्स आई मध्य बिंदु लिखो, लिखो फटाफट, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एफ आई एक्स आई करो, 1 × 1, 2 × 3, 6, 5, 7, 5, 35, 6, 9, 54 ठीक है। ये पहला क्वेश्चन कर लिया, क्या आया ये सिग्मा एफ आई बी से, और ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर देश, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 162/20, एक्स बार इज इक्वल टू 8.1 प्लांट्स। क्या आ गया मध्य माध्य, क्या आ गया बच्चों? चलो सब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, करो क्वेश्चन फटाफट। अब आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सारे सवाल मैं अगली क्लास में करवाने वाला हूं, लेकिन अब अगली क्लास में आने से पहले ये जो है दोनों एग्जाम्पल फार्मूले और बाकी के सारे क्वेश्चन एक एक बार आप सभी करके आएंगे, तभी आपको अगली क्लास में एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा और आपका एग्जाम में गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ओके।